हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड के एमसीक्यू करेंगे हम, इस बुक से कर रहे हैं। तो ये हमारी बुक है गुरुकुल की, सीबीएसई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। इस बुक के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू हैं। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप इसको बाय कर सकते हैं या फिर इनकी स्पेशली साइट पर जाके भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल के। क्वेश्चन नंबर 16 तक तो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने एमसीक्यू कर लिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज टू, देन वैल्यू ऑफ के इज। यहाँ पे क्या कहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर हमें 2 दे रखा है, तो के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के। अब 2 इसका फैक्टर है तो क्या करेंगे, जैसे ही हम x की जगह 2 पुट करेंगे इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, क्योंकि ये फैक्टर दे रखा है। पुट कर देंगे इसमें, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में 3 इंटू 2 प्लस के। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 4 प्लस 3 टू जा 6 प्लस में के। तो 6 और 4 कितना हो गया हमारा, 10 प्लस के इक्वल टू 0। और k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का 10। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, माइनस 10। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज माइनस 5 एंड प्रोडक्ट इज 6। क्या कहा है, जो हमारे फैक्टर्स हैं जीरोज हैं उनका सम जो है माइनस 5 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है हमें 6। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 18 क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो जो है हमारा वो क्या है, माइनस का 5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है हमारा वो हमारा क्या है, 6। अब कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कैसे होती है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहां पे क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर। अब देखो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, माइनस 5। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारा, 6। तो क्या आ गया यहां पे, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का 5x प्लस 6। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। क्लियर है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दे रखा है हमें 2x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x प्लस 1। विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज, ये कौन सी टाइप की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब देखो यहां पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री देखो x की क्या है, x की पावर 4 है, ठीक है। x की पावर 4 जो होती है वो क्या होती है हमारी, बाई क्वाड्रिलेटरल होती है। बाई का मतलब 2, क्वाड्रिलेटरल में डिग्री कितनी होती है हमारी, 2। तो 2 × 4 हो गई, बाई क्वाड्रिलेटरल हो गई। अगर हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, अगर x की हाईएस्ट डिग्री 1 होती तो लीनियर इक्वेशन हो जाती, और x की हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होती तो हमारी क्यूबिकल इक्वेशन हो जाती। चारों समझ में आ गए आपको, ऑप्शन किस तरीके से करेंगे, 4 पावर है तो वो कौन सी होती है हमारी, बाई क्वाड्रेटिक। 4 से ज्यादा पावर का क्वेश्चन आपके अंदर नहीं आएगा सिलेबस में, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर 19 क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ के इज। अगर 1/2 इस इक्वेशन का रूट है तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो एक्स की वैल्यू 1/2 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगी हमारी के की वैल्यू। इक्वेशन देखो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस में के एक्स माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1/2, तो यहां पे करेंगे पुट, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस में यहां पे क्या हो जाएगा, k/2 माइनस में 5/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहां पे देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस का 5/4 प्लस में k/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहां पे एलसीएम लो कितना आ गया, 4 एलसीएम, इन दो का एलसीएम लेंगे बस, तो 4 एलसीएम आ गया, 4 से 4 कैंसिल, यहां पे 1 माइनस में 5 प्लस में k/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर।
यहाँ पे देखो 1 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल तो क्या बच गया माइनस 1 प्लस में k बाय 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को राइट साइड ले जाओ तो k बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। सिंपल था, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, k इज इक्वल टू 2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 एज माइनस 2 एंड 5, ऐसी कितनी पॉलिनोमियल होंगी जिनकी नंबर ऑफ जीरोज माइनस 2 और 5 होंगी। ऐसी तो बहुत सारी हो सकती हैं, हम तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, तो माइनस 2 और 5 जीरोज वाली टर्म्स जो होंगी मोर देन 3 लिख देंगे हम यहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारी क्या है पॉलिनोमियल होगी। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है ना तो उसके अंदर रूट की टर्म होनी चाहिए, ना ही उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ना ही उसमें नेगेटिव पावर होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन हमें चेक करनी है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बता भी रखा है, जब चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा, कि हम किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रूट एक्स है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, सी ऑप्शन में भी रूट एक्स है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, बी ऑप्शन पे आ जाओ, एक्स स्क्वेयर तो है बट ये डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस टू, नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो बी भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, जल्दबाजी नहीं करनी है एमसीक्यू करते टाइम, कहीं आपको एक्स स्क्वेयर दिखते ही आंसर ए लगा के भाग चलो, गड़बड़ हो जाएगी वहीं पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन इसी तरीके से मार्क्स खाते हैं आपके, आप सोच के तो ये आओगे कि मैंने करेक्ट कर दिया है, बट आके देखोगे ओ हो ये तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन ध्यान से चेक करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज टू देन ए इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन का टू एक रूट है तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो देखते हैं क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0, और रूट दे रखा है इसका 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, पुट कर लेंगे इसमें, पुट करो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a रखेंगे तो 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 2 जा 8 प्लस में 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, 8 और 6 क्या हो गया 14, तो 2a प्लस 14 इक्वल टू 0, और 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 14 को राइट साइड लेके जाएंगे माइनस का 14, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 7। तो चेक कर लो a इज इक्वल टू माइनस 7, हमारा ऑप्शन b दे रखा है तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट देखो क्या है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हू जीरोज आर माइनस 3 एंड 4। हमने क्या बतानी है, कौन सी ऐसी इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी जीरोज जो है माइनस 3 और 4 होंगी। एक तो तरीका है इनके फैक्टर्स निकाल निकाल के देखो, बहुत लेंथी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और दूसरा तरीका है हमारा, एक रूट दे रखा है हमें अल्फा माइनस 3, बीटा दे रखा है हमें 4। क्लियर, अब सम ऑफ रूट्स की बात करूं मैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारा माइनस 3 में 4 ऐड करेंगे 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूं तो 4 की और माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन हमारी कैसे होती है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे ही तो लिखी जाती है। तो लिख दो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है हमारा 1, 1 इंटू एक्स मतलब एक्स, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है माइनस 12, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 12, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12, ऑप्शन चेक कर लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर ये भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स शोन इन द फिगर आर, हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें हमने क्या बतानी है नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। नंबर ऑफ जीरोज से मतलब है कि हमारा देखो यहां पे एफ एक्स दे रखा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, बस ये बताना है आपको। तो ये ग्राफ कितने टाइम्स जीरो हो रहा है, एक तो यहां पे जीरो हो रहा है, एक यहां पे जीरो हो रहा है, तो टू टाइम्स, तो टू क्या होंगी इसकी जीरोज। अगर यहां पे
एफ ऑफ वाई दे रखा होता, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं, एफ ऑफ वाई दे रखा होता तो हम चेक करते वाई एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, y एक्सिस को 1 टाइम्स कट कर रहा है, तो अगर f ऑफ y दे रखा होता तो हमारी जीरोज कितनी होती, ओनली 1 होती। क्वेश्चन में यही चीज घुमा के देगा, आपने fx के क्वेश्चन किए हैं इस तरीके से चेक कर लेते कितने टाइम्स कट किया है, बट पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो f ऑफ y का देगा, तो y एक्सिस को चेक करना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है? कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने कम है, तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप ये सोचोगे बड़े आसान क्वेश्चन है मैं तो चुटकियों में कर दूंगा, कोई नहीं मेरे कंसेप्ट क्लियर है, नहीं ऐसी गलती मत करना, गड़बड़ करोगे मार्क्स कटेंगे, फिर आके ये बोलोगे सर आपने सही कहा था, एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे वैसे जो हमारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते हैं हम जो अपने बुक्स में वैसे सिंप्लीफाई करते हैं उनसे बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं थ्योरेटिकल टाइप से, तो बड़े ध्यान से करने हैं। समझ में आई? बाकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, एक वीडियो आने वाली है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो अगर हमारे हमें ना आता हो उसको हम कैसे करें, कैसे उसका ऑप्शन हम टिक करें, उसके लिए वीडियो अभी जल्दी ही आपकी चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी जल्दी मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगा, साइंस की वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल, थैंक्स।